विशाल मंगोल साम्राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। पुनर्जागरण का ये भी एक कारण है कि विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना करना 13वीं शताब्दी में कुबलाई खान नामक एक जो व्यक्ति है, कुबलाई खान नामक जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, मंगोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। विशाल मंगोल साम्राज्य इन्होंने पेकिंग तथा समरकंद जो इनके बड़े शहर थे, पेकिंग नाम का शहर कौन सा, पेकिंग और दूसरा समरकंद। पेकिंग तथा समरकंद नाम के जो शहर है, इन शहरों पर इन्होंने क्या किया कि ज्ञान विज्ञान व संस्कृति का केंद्र बनाया। इन्हें इन शहरों को ज्ञान विज्ञान पेकिंग तथा जो समरकंद है, इन्हें ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाया। और इन शहरों को देखने के लिए बाहर से जो विदेशी यात्री भी आने लगे। वेनिस का जो एक यात्री है मार्कोपोली, कौन है मार्कोपोली, कहाँ का, वेनिस, ये इटली का नगर है। वेनिस कहाँ का नगर है, इटली देश का नगर है। इसका यात्री है मार्कोपोली। मार्कोपोली ने क्या किया कि कुबलाई खां के साम्राज्य की यात्रा की और वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के वातावरण को, कला संस्कृति को, रीति रिवाज को, वहाँ के धर्म को, वहाँ के दर्शन को, वहाँ के ज्ञान को देखा और वापस पुनः अपने देश इटली पहुँचा। और इटली में वेनिस नगर में वहाँ पर जाकर लोगों को बताया किसके बारे में, विशाल मंगोल साम्राज्य के बारे में बताया, जिससे क्या है कि लोग प्रभावित हुए और मंगोल साम्राज्य की यात्रा करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ कि मंगोल थे, मंगोलों ने क्या किया, जिसके कारण मंगोल हैं, मंगोलों के साम्राज्य में डच, पुर्तगाली, अंग्रेज जो इंग्लैंड के निवासी थे, फ्रेंच, फ्रांस के निवासी, तो ये डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सभी आने लगे और यात्राएं करने लगे। तो इस प्रकार से क्या है कि विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना के कारण भी क्या हुआ कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। विशाल मंगोल साम्राज्य ने क्या किया, जो कुबलाई खान वहाँ के राजा हैं, इन्होंने एशिया तथा यूरोप जो देश हैं, एशिया तथा यूरोप जो महाद्वीप है, तो एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के देशों को इन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को वो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो धर्म युद्ध के कारण, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना के कारण पुनर्जागरण हुआ। और पुनर्जागरण का जो अगला कारण है वो है व्यापार का विकास। किस प्रकार से हुआ व्यापार, नवीनतम भौगोलिक खोजें होने लगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और व्यापार का विकास होने लगा। जैसे अमेरिका की खोज हुई, अफ्रीका की खोज हुई, भारत की खोज हुई, तो जो व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे वो इन देशों में जाने लगे और इन देशों की जो कला संस्कृति को पहचाना इन्होंने, इस देश के ज्ञान विज्ञान को पहचाना, रीति रिवाज को पहचाना। तो इस प्रकार से क्या है कि व्यापार का विकास हुआ। व्यापार के विकास के कारण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, महाद्वीप के लोगों से इनका संपर्क हुआ और ये यहाँ पर व्यापार करने लगे। इसीलिए वहाँ की संस्कृति कहाँ आई, वहाँ की संस्कृति यूरोप में आने लगी, इटली में आने लगी और यहाँ की संस्कृति वहाँ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ और इन देशों की, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की संस्कृति को ग्रहण किया, वहाँ की अच्छाइयों को ग्रहण करने के कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का एक और जो कारण है वो है, एक जो अन्य जो कारण है वो है कागज में छापे खाने का आविष्कार। देखिए कागज में छापे खाने का आविष्कार, कागज के आविष्कार से पुनर्जागरण किस प्रकार से प्रारंभ होता है, कागज व छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का मतलब क्या, प्रिंटिंग प्रेस है। कागज का आविष्कार होने के बाद, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ, चीन देश के अंदर हुआ। चीन देश से कागज का ज्ञान अरब देश के लोगों ने प्राप्त किया। अरब देशों के लोगों ने जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कागज का, उसके बाद में जो उन्होंने इटली के लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया, यूरोपियन देश है इटली, कहाँ का देश है, यूरोपीय महाद्वीप का देश है, इटली के लोगों को बताया सर्वप्रथम जो अच्छी किस्म का कागज किसने बनाया, इटली के लोगों ने बनाया। और जब प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने का आविष्कार हो गया, तब छापे खाने के आविष्कार होने के कारण क्या हुआ कि बाइबल नाम की जो पुस्तक है कई भाषाओं में छपने लगी। इसके अलावा
अच्छा साहित्य लोगों को मिलने लगा, समाचार पत्र छपने लगे, जिससे क्या हुआ कि साहित्य अच्छा साहित्य पढ़ने लगे और लोगों में मानसिक विकास, लोगों का मानसिक व बौद्धिक विकास हुआ और धर्म की व्याख्या करना अब लोग स्वयं ही समझ गए और उन्होंने देख लिया कि ये पादरी वर्ग है, ये चर्च के लोग हैं, ये क्या है कि हमें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, इनको ये धर्म की सही रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी कब संभव हुआ? जब कागज में छापे खाने का आविष्कार हुआ और बाइबल और अच्छा साहित्य, अच्छे अखबार लोगों तक पहुँचने लगे। तो पुनर्जागरण क्यों हुआ? कागज में छापे खाने के आविष्कार के कारण भी पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का जो अगला कारण है वो है स्कॉलिस्टिक विचारधारा। कौन सी विचारधारा? स्कॉलिस्टिक, स्टालिनिस्टिक विचारधारा। स्टालिनिस्टिक जो विचारधारा है वो अरस्तु के तर्कशास्त्र पर आधारित है। अरस्तु नाम का विद्वान है, राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा अरस्तु के बारे में। ये आपके थर्ड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी अरस्तु है। तो इस अरस्तु के बारे में सुना होगा आपने कि ये राजनीति विज्ञान का जनक कहलाता है। तो ये स्कॉलिस्टिक जो विचारधारा थी ये किस पर आधारित थी? अरस्तु जो तर्क वितर्क करता है, राज्य के सिद्धांत बताता है, जो तर्क वितर्क करता है उस पर ही आधारित थी, तर्कशास्त्र पे। तो अब क्या है, पुनर्जागरण का कारण क्या है कि लोग क्या है कि स्टालिनिस्टिक विचारधारा के प्रभाव में आने लगे और इस स्टालिनिस्टिक जो विचारधारा है, इस स्टालिनिस्टिक विचारधारा का जो प्रमुख विचारक कौन है? एक्विनास और मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर और एक्विनास। ये दोनों स्कॉलिस्टिक विचारधारा के जो विचारक है, इन्होंने अरस्तु के तर्कशास्त्र को आधार रखे अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत किए और लोगों में उत्साह जागृत किया, लोगों में अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि वही बात सत्य है जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। मतलब ये विद्वान बता रहे हैं कि सच कौन सी बात है, वो बात सच है जो तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क की बात पर क्या है कि वो खरी उतर जाए, वही बात क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से क्या है, जो स्कॉलिस्टिक विचारधारा थी, स्कॉलिस्टिक विचारधारा के कारण भी क्या हुआ कि पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। तो पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में छापे खाने वे कागज का भी प्रमुख योगदान रहा, स्कॉलिस्टिक विचारधारा का प्रमुख योगदान रहा इसके अंदर। इसके साथ ही जो योगदान रहा वो रहा नगरों का विकास होना। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। इटली के वेनिस नगर है, कौन सा नगर? वेनिस नगर, रोम नगर, फ्लोरेंस, इस प्रकार के बड़े बड़े जो नगर थे उनको विकास होने लगा। लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आने लगे और इटली के जब नगरों के अंदर आने लगे वो, तो नगरों के अंदर आके उन्होंने ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति को देखा और वो उनका बौद्धिक विकास प्रारंभ हुआ, उनका साहित्यिक विकास प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से बड़े बड़े नगरों के विकास के कारण भी क्या हुआ कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण का कारण क्या था? वैज्ञानिक चेतना के कारण भी क्या है पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ? कोपरनिकस नाम का जो व्यक्ति है, कौन है? कोपरनिकस गैलीलियो। न्यूटन रोजर वेकन इस प्रकार के जो विद्वान हुए वैज्ञानिक, कोपरनिकस है, गैलीलियो, न्यूटन, रोजर वेकन, इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से, इन्होंने अपने आविष्कारों के माध्यम से लोगों को सत्य बताया। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके घूमती हुई पृथ्वी को बता दिया। तो इस प्रकार से क्या है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रदान किया। तो इस प्रकार से इन जो वैज्ञानिक हुए, कोपरनिकस है, गैलीलियो है, न्यूटन है, रोजर वेकन है, इन विद्वानों ने क्या किया कि अपने तर्क दिए, मानव तर्क दिए, अपने प्रमाण दिए, पृथ्वी के रहस्य बता दिए इन्होंने, जिसके कारण लोग अब जागृत हुए
और लोगों के जागृत होने के कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद का विकास, पूंजी मतलब धन, जहां पर धन होता है तो वहां का तो विकास होना संभव है। पूंजीवाद का विकास, व्यापार बढ़ने लगा, नवीनतम भौगोलिक मार्गों की खोज होने लगी। जब व्यापार बढ़ा, नवीनतम भौगोलिक मार्गों की खोज हुई, तो पूंजी का विकास तो होना अनिवार्य है। जब पूंजी का विकास होने लगा, भारी मात्रा के अंदर लोगों पर पूंजी आने लगी, तो भौतिक सुविधाओं से युक्त जीवन वो यापन करने लगे, और पूंजीवादी भावना के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। आलीशान जो भवनों का निर्माण होने लगा, उन भवनों के अंदर आलीशान विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लगे और अच्छा साहित्य पढ़ने लगे। जब ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगे लोग, तो उन्होंने देख लिया कि हम जो प्रारंभ में धर्माधिकारियों के बहकावे में आके धर्माधिकारियों के कहने के कारण अंधकारमय युग में जी रहे थे, और आज हम जो तर्क वितर्क, ज्ञान विज्ञान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवतावाद को अपनाते हुए हम आज जो सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जो पूंजीवादी भावना थी उसका विकास हुआ, पूंजीवाद का विकास होने से पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त क्या है, एक जो है पुनर्जागरण कारण मानववाद का विकास। मानववाद शब्द से ही पता चल रहा है, मानव से संबंधित है, मानव के जीवन से संबंधित है। मानववाद का विकास, मानववाद है, इसका विकास, इसका जनक कौन था, पेट्रार्क नाम का विद्वान है, यह मानववाद का जनक कहलाता है। मानववाद में मानव की समस्याएं, मानव जीवन की समस्याएं, उसकी मानव जीवन की रुचि, मानव का सुखी होना, मानव क्यों दुखी है, मानव किस प्रकार से सुखी हो सकता है, मानव को किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, मानव किस प्रकार से आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है, मानव किस प्रकार से अपने जीवन को सुखमय, गौरवशाली, गौरवमय तथा जो शक्तिशाली किस प्रकार से बना सकता है, ये सभी जो भावनाएं थी वो किस में थी, मानववाद में थी। और जब मानववाद का विकास हो गया, लोग अपने आप को, स्वयं को जानने लगे, लोगों में लोग अब स्वयं जागृत होने लगे, तो ऐसे समय के अंदर क्या हुआ कि पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। एक कारण पुनर्जागरण प्रारंभ होने का यह भी रहा, कुस्तुंतुनिया पर अधिकार। नाम थोड़ा अटपटा लगा होगा आपको, लेकिन अटपटा नहीं है ये, कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। पुनर्जागरण जो प्रारंभ होता है, पुनर्जागरण प्रारंभ होने का यह भी एक कारण है। कुस्तुंतुनिया पर 1453 ईस्वी में जो तुर्कों ने अधिकार कर लिया, और तुर्कों ने जो अधिकार किया उसके कारण क्या हुआ कि यूरोप का व्यापारिक मार्ग क्या हुआ, ठप हो गया। ठप हो जाने के कारण अब जो यूरोप के लोग थे उन्होंने क्या किया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जैसे महाद्वीपों की तरफ जाने लगे, और वहाँ पर वो गए और उन्होंने क्या किया कि वहाँ व्यापार पकड़ना प्रारंभ किया और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए। अर्थात उन देशों को व्यापार तो कि उन्होंने किया ही, व्यापार के नाम पर उन देशों को गुलाम बनाने का भी प्रयास किया। जब वो बाहरी व्यापार करने लगे तो क्या हुआ, वहाँ से भारी मात्रा के अंदर धन आने लगा और वो लोग वहाँ की कला संस्कृति से भी परिचित हुए। इस कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। कुस्तुंतुनिया के जो लोग थे वो तुर्कों ने जब कुस्तुंतुनिया पर आक्रमण किया तो कुस्तुंतुनिया के लोग यहाँ से भागे, और भाग कर कहाँ आए, इटली नगर में आए, और इटली देश के जो नगरों में रहने लगे, और वहाँ पर उन्होंने इटली के साहित्य को पहचाना। और जब वो कुस्तुंतुनिया से भागे तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपने साथ अपने ग्रंथ लेकर भी आ गए। तो कुस्तुंतुनिया का साहित्य और इटली का साहित्य दोनों का समन्वय हुआ, और अच्छा साहित्य के समन्वय होने से क्या हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। अगला जो कारण जो है वो इसमें है कि पुनर्जागरण का कारण यही था कि धर्म युद्धों के कारण, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना के कारण, पूंजीवादी विकास के कारण, व्यक्तिवादी विकास के कारण, वैज्ञानिक चेतना के कारण,
स्कॉलिस्टिक विचारधारा के कारण, व्यापार के विस्तार के कारण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आक्रमण के कारण और मानववाद के विकास के कारण, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना के कारण क्या हुआ? पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। तो पुनर्जागरण के छात्रों निम्नलिखित कारण थे। इसके अलावा क्या है कि पुनर्जागरण प्रारंभ तो हो गया, लेकिन पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ? क्या कारण था कि वो इटली के अंदर ही प्रारंभ हुआ? इटली देश के अंदर ही पुनर्जागरण प्रारंभ क्यों हुआ? यूरोप के अंदर ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी है, बेल्जियम भी है, हॉलैंड है, नीदरलैंड है, तो इस प्रकार के कई देश आते हैं, लेकिन यहाँ इटली के अंदर ही ये प्रारंभ क्यों हो रहा है? इटली के अंदर प्रारंभ होने का भी कोई एक विशेष कारण तो रहा होगा। वो विशेष कारण क्या है इटली में प्रारंभ होने का? वो कारण छात्रों ये है कि इटली के नगर ज्ञान व संस्कृति के केंद्र, इटली के नगर ज्ञान व संस्कृति के केंद्र, संस्कृति के केंद्र, इटली के जो नगर हैं, इटली यूरोपियन देश है, यूरोप का देश है, इटली के जो बड़े नगर हैं, ये नगर क्या है कि ज्ञान और संस्कृति के केंद्र हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं यहाँ पर इटली के जो नगर हैं, जैसे मिलान, ठीक, वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, ये नगर ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण नगर है। यहाँ का जीवन अत्यधिक उच्च है। जो विदेशों से भागकर जो लोग आए हैं, यूनान से जो भागकर लोग आए हैं, इटली देश के इन नगरों के अंदर बस गए और अपनी कला संस्कृति और इटली की कला संस्कृति का उन्होंने समन्वय किया। जब दोनों संस्कृतियों का समन्वय हुआ तो ज्ञान भी बढ़ा, विज्ञान भी बढ़ा, ज्ञान में उनकी संस्कृति बढ़ी। अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग रीति रिवाज थे, और उनके रीति रिवाजों और उनके ज्ञान विज्ञान के कारण क्या हुआ कि इटली नगर के अंदर पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। दूसरा कारण क्या था? नवीन संस्कृतियों का संगम, नवीन संस्कृतियों का संगम। इटली के अंदर जो पुनर्जागरण प्रारंभ हो रहा है उसका कारण क्या है? नवीन संस्कृतियों का संगम। नवीन संस्कृतियों के संबंध इटली के अंदर ही क्यों था? कारण यह था, इटली देश के अंदर क्या था कि लोम्बार्डी, यूनानी, गाद, अरब, लोम्बार्डी, यूनानी, गाद, अरब, रोमन, फ्रेक, नारपान, रोमन, फ्रेंक, नारपान नाम की कई जातियां जो इटली के नगरों में निवास करती थी, इन जातियों की, इन सभी जातियों, अलग अलग देश की, अलग अलग जगह की जातियां होने के कारण इनकी कला संस्कृति, इनका रीति रिवाज, इनका धर्म, इनके वस्त्राभूषण, इनका पहनावा, इनका खान पान सब अलग था। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण क्या हुआ कि ये सभी विशेषताएं में विद्यमान थी, परंतु फिर भी एक साथ इटली में निवास करती थी। ऐसी स्थिति में इटली में नवीन संस्कृति का संगम हुआ और इटली में क्या हुआ? पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। इटली में कला व वाणिज्य का विकास एक कारण क्या रहा? इटली देश के जो नगर हैं, इसमें क्या हुआ? कला वाणिज्य का विकास। इटली देश के नगर में क्या हुआ? कला व वाणिज्य का विकास हुआ। ये धनवान नगर थे, यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई। विशालतम भवनों का निर्माण हुआ यहाँ पर। व्यापार वाणिज्य करने के लिए यहाँ के लोग बाहर जाने लगे, विदेशों के अंदर जाने लगे। एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका के अंदर ही इटली देश के लोग जाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? कला का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिसके कारण पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ। इटली की जो राजधानी है, अगला कारण क्या है? इटली की राजधानी है रोम। रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना, रोम, अगला पॉइंट क्या हमारा? रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना, लैटिन साहित्य,
लैटिन साहित्य का केंद्र होना। जो रोम नगर है, इटली देश की राजधानी है, रोम नगर के अंदर जो लैटिन साहित्य, लैटिन भाषा में भारी मात्रा के अंदर साहित्य लिखा गया, और दांते नाम का जो विद्वान है, इसने डिवाइन कॉमेडी, दांते रोम में रहते, रोम के जो लैटिन साहित्य में दांते नाम का विद्वान है, इसने क्या है, डिवाइन कॉमेडी नामक एक ग्रंथ लिखा, डिवाइन कॉमेडी।